नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। किसनी थाना क्षेत्र के गांव नेगमा खिरिया में राशन डीलर के चुनाव के बाद दबंग ने एसडीएम व पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की ये रिपोर्ट। शनिवार को नेगमा खिरिया के पंचायत घर में राशन डीलर का चुनाव हो रहा था। चुनाव कराने के लिए एसडीएम अशोक प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बेबर श्याम सिंह पीनवाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। चुनाव में मंजू देवी व बबली देवी ने नामांकन किया। दोपहर 1 बजे चुनाव की गिनती होने के बाद मंजू देवी को 182 वोटों से विजयी घोषित किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद ग्रामीण अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तभी उसी समय पंचायत घर के सामने गली में किसी ने फायर कर दिया। फायर की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को गांव की गलियों में तलाश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।